बाजी का मूड खराब होता है। ऐसे में बाजी जो ना बेसिकली खराब नहीं हो जाए, बाजी जो सुनो तो सही, सुनो तो सही। हमें लकी मैन जाने की इतनी आदत पड़ गई ना, तो अभी ये मॉल है ना, हमें बहुत कंजेस्टेड और बहुत छोटा छोटा लग रहा है, और हमें पता भी नहीं कि यहाँ पे पहुंचा स्टोर कहाँ पर है। गाइस 1500 कदम चल लिए और जिसके लिए चले वो तो मिला नहीं। गाइस एक मुसीबत में पड़ गए हम लोग भाई, बाजी गाड़ी की बैटरी का मसला हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है भाई। और आज छुट्टी का दिन तो है ही, वो तो एक अलग एक्साइटमेंट है, वो तो आप समझे कि हर हफ्ते ही हो रही होती है भाई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है भाई, आज 5th of October है, ठीक है। और गुड न्यूज़ ये है कि गाइज इस मंथ अम्मी पापा आर कमिंग बैक, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। यार अम्मी पापा कई बार जा चुके हैं, ठीक है, और वो कई दफ़ा इतने लंबे टाइम के लिए भी गए हैं, बट दिस टाइम यार ये टाइम बहुत मुश्किल था गाइज, लिटरली बहुत मुश्किल था। और अब तो मैं कह रही हूँ कि बस जल्दी से आ जाए, इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ही अब टाइम रह गया, सही है, काफ़ी सारा टाइम तो हमें निकाल ही लिया है, तो बस अब समझे दुम रह गई है, हाथ ही निकल गए। तो बस इंशाल्लाह अम्मी लोग इस महीने वापस आ जाएंगे, किस दिन आएंगे वो मैं अभी नहीं बताऊँगी आप लोगों को, वो मैं आप लोगों को एक दिन पहले या माइट भी उसी दिन बताऊँगी भाई आज अम्मी पापा आ रहे, ठीक है। एनीवेज गाइस चले फिर आए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारी क्या क्या रूटीन है। फिलहाल अभी जो है वो जोर की नमाज़ का वक्त हो रहा है, मैंने कहा मैं पहले फटाफट से नमाज़ पढ़ लूँ, ठीक है, उसके बाद खाना खाते हैं। और आज खाने में मैंने क्या बनाया है वो भी आपको बताती हूँ, ठीक है, वो भी लिंक कर रहा है मेरी अम्मी के साथ ही, ठीक है। तो पहले फटाफट से नमाज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है गाइस। नमाज़ पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब चलते हैं जरा किचन में और आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने लंच में क्या बनाया, ठीक है। और काफ़ी दिनों से दिल भी चाह रहा था बनाने का, तो चले आए चल के दिखाते हैं आपको। सो गाइस आज मैंने जो बनाया है ना वो ये है, आलू मुर्गी, ठीक है भाई। और अम्मी की रेसिपी मैंने फॉलो की है, बिल्कुल खुशबू भी वैसी आ रही जैसे अम्मी ने बनाया है। और साथ में मैंने बनाए हैं बॉयल्ड राइस, ठीक है भाई, माय फेवरेट भाई। आप लोगों की बात हो, हम लोग जब भी अभी नानी के घर जाते थे ना बचपन में, तो पहले दिन का जो हमारा डिनर या लंच जो भी जिस टाइम पर हम लोग पहुँचते थे तो वो यही होना करता था, आलू मुर्गी और साथ में चावल और रोटी हुआ करती थी। तो उस टाइम पर जो ना ये लग्जरीज फूड हुआ करता था, तो खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी हमारे घर में आलू मुर्गी बनता ना तो मुझे ज़रूर अपनी नानी की याद आती है, उस टाइम की याद आती है जब हम लोग उनके घर जाया करते थे, ठीक है। अब तो वो लोग नहीं है दुनिया में, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। तो बस आज अम्मी को बना के मैंने अम्मी को याद किया कि मैंने आज खाना बनाया, तो देखते हैं कैसा बना है, ठीक है। चलें जी गाइस टेबल पे अल्हम्दुलिल्लाह लंच आ चुका है, बिस्मिल्लाह करते हैं, खा के चेक करते हैं कैसा बना है। सो गाइस लंच करके अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं फारिग, ठीक है भाई। और घर का खाना खा के जो तसल्ली होती है ना आपको, बाहर का खाना खा के नहीं होती, सही है। तो खैर आज खाना खा के मज़ा आ गया, अपने एक तो हाथों से भी बनाया हुआ था, ठीक है, और बना भी बड़े मज़े का है, तो मज़ा आ गया, सही है। तो खैर भाई इन अदर न्यूज़, बाजू जो है वो गई हुई है फिलहाल मार्केट, ठीक है, बाजू को कुछ अपने कपड़ों की बेलें वगैरह लेनी थी। तो मैं तो अभी जो है वो ज़ाहिर सी बात है नहा के निकली थी, मैंने अभी नमाज़ पढ़ी थी और बाजी कह लगी कि भाई मुझे जाना है वरना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं अभी अकेले चली जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप चलिए, क्योंकि मैं तो अभी निकली हूँ, नमाज़ पढ़ूँगी, लंच करूँगी, तैयार होने के लिए कपड़े वगैरह सी करूँगी, तो टाइम हो जाएगा काफ़ी। मैंने कहा आप होके आ जाओ, तो अभी फ़िलहाल जो है वो बाजी गई हुई है मार्केट और आपकी बहन है घर में अकेली। सो भाई शाम के 5:15 हो चुके हैं, ठीक है, और मैं हो चुकी हूँ रेडी, ठीक है भाई। मैं जा रही हूँ मॉल, बाजी का भी बस फ़ोन आया, मैंने कहा भाई मैं मुझे जाना है मॉल, बाजी का बस मैं आ रही हूँ। सो बाजी ने मुझे कहा कि भाई तुम आ जाओ, मैं नीचे खड़ी रहूँगी, तो फिलहाल बाजी जो है वो आ गई होगी, तो बस अब चलते हैं नीचे। और मुझे एक्चुअली जाना है मॉल, मुझे कोई लेना है शूज़, ठीक है। लास्ट टाइम हम लकी वन गए थे, मुझे वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा यार स्क्वायर वन चलते हैं आज, लकी वन नहीं हम जा रहे, ठीक है, थैंकफुली। तो खैर बस वहाँ चलते हैं, देखते हैं अल्लाह करे वहाँ से मुझे कोई पसंद आ जाए, मुझे शूज़ हर हाल में नए लेने हैं, ठीक है गाइस। तो चले फिर चलते हैं। चले जी गाइस फाइनली बाजू को हमने कर लिया है ज्वाइन, बाजी वेट कर रही थी, भागती हुई आ रही हूँ फटाफट, और अब हम चलेंगे मॉल, ठीक है भाई। और बाजी क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। यार बाजी का मूड खराब होता है, ऐसे में बाजी जो ना बेसिकली बाजी जो सुनो तो सही, सुनो तो सही। बाजी का मसला पता क्या है, गाड़ी में बैठ के सिर्फ गाने सुनेंगी, वैसे नहीं सुनेंगी, ठीक है। डॉक्टर ने इनको ना कोई टोटका बताया, गाड़ी में बैठ के गाने सुनने यार। अब भाई आप लोगों को पता है ना गाइस, मैं गाने के दौरान तो नहीं आप लोगों से ब्लॉगिंग कर सकती ना, तो मैं बाजू कहती यार थोड़ी देर के लिए रुकू, 10 मिनट बात कर लूँ फिर गाने सुन लेना। चले गाइस फिर अब मॉल पहुंच के आप लोगों से कनेक्ट करूंगी गाने सुनने, ठीक है। लुक एट द व्यू गाइस, वाओ सूरज बिल्कुल हमारे सामने है, मगरिब होने वाली है थोड़ी देर में।
सो गाइज ये मॉल की पार्किंग है, ठीक है भाई, और यहाँ पे कहीं हमें पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी। लेट्स सी कहाँ स्पेस मिलता है हमें। सो भाई हमें फाइनली जगह मिल गई है और पक्के फर्श पे मिल गई है। भाई सामने जो है सारा कच्चा एरिया है, तो हमने कहा ना यहाँ मिल जाए, तो लकीली एक अंकल निकले और बस हमें फटाफट गाड़ी पार्क कर ली है अपनी। सो भाई ये है स्क्वायर वन मॉल जहाँ पे हम लोग आए हैं और इसकी पार्किंग से अभी हम लोग निकल रहे हैं। गाइस हम लोग फाइनली मॉल में आ चुके हैं। ठीक है भाई, हमें लकी मैन जाने की इतनी आदत पड़ गई ना, तो अभी ये मॉल जो है ना हमें बहुत कंजेस्टेड और बहुत छोटा छोटा लग रहा है और हमें पता भी नहीं कि यहाँ पे कौन सा स्टोर कहाँ पर है सही है। तो अभी हमें जैसा ना लंबा ट्रिप लेना पड़ेगा, फिर अभी हमें पता चलेगा कौन सी शॉप कौन सा स्टोर कहाँ पर है। ठीक है, सो गाइस हम लोग इस वक्त आ चुके हैं जेट आउट में, ठीक है भाई, और यहाँ से हम लोगों ने लिए हैं ट्राउज़र। सो वी आर डन विद आवर जे डॉट अनएक्सपेक्टेड शॉपिंग, जो कि हमें नहीं करनी थी लेकिन कर ली है। सो भाई ये आ गया इंसिग्निया जहाँ से मुझे लेने हैं अपने शूज़। लेट्स सी मुझे यहाँ से शूज़ मिलते हैं या नहीं मिलते। तो भाई हमें नहीं मिल सका शूज़, ठीक है भाई, मुझे पसंद ही नहीं आ रहे और कलर भी ऐसे पसंद है। दूसरा ये कि स्वेट का मटेरियल होता है वो गंदे हो जाते हैं, उनके क्लीनिंग का इशू होता है, तो मुझे कोई और डिज़ाइन पसंद ही नहीं आ रहा। सो गाइज शाम के 7 बज चुके हैं, ठीक है भाई, एंड वी आर गोइंग बैक होम। भाई जिस काम के लिए आए थे वो तो रह ही गया, मुझे तो पता नहीं शूज़ कब मिलेंगे यार। मैं शूज़ कर रही हूँ और शूज़ नहीं मिल रहे। अब मेरे घर वाले भी कहते तुम्हें मुझे भी कुछ नहीं आता, पर्सन भी कुछ नहीं आता यार। अब देखो मैं कंफर्टेबल लेवल भी चेक कर रही हूँ, जो मुझे चाहिए मैं वो भी चेक कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है। और मेरी शॉपिंग की एक स्ट्रेटजी है भाई, मैं देखती हूँ एक नज़र में जो मुझे चीज़ क्लिक कर जा रहा बस मैं वो ले लेती हूँ। अब मुझे कुछ क्लिक नहीं कर रहा, सोचना पड़ रहा है, तो मैंने कहा नहीं भाई ये काम मैं नहीं करती। गाइस 1500 कदम चल लिए और जिसके लिए चले वो तो मिला नहीं, बताओ जरा। 1 hour later गाइस एक मुसीबत में पड़ गए हम लोग भाई। बाजी गाड़ी की बैटरी का मसला हो गया। हम लोग एक्चुअली हम लोगों ने कहा कि चलो रास्ते से जो है ना वो नाश्ते का सामान ले लेते हैं बेकरी से। हम लोग बेकरी में मैं गई हूँ अंदर, बाजी ने गाड़ी पीछे से बंद की, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। अब वो मसला हो गया कि भाई क्या मसला आ गया। फिर वो तो शुक्र है कि यहाँ पे सारे मैकेनिक्स वगैरह की शॉप है, फिर मैं वहाँ गई, वहाँ पे बंदे को लेके आई, उसने कहा भाई बैटरी का मसला है। देखें बाजी चेक करवा रही है, वो कह रहा है कि गाड़ी का बैटरी का पानी वगैरह कम हो गया, क्या ये चेक करेगा अभी क्या इशू आया है। भाई वो गाड़ी में पानी डाल रहा है बैटरी में, आई गेस बैटरी में पानी का मसला हो गया शायद। सो गाइस हमारी गाड़ी फाइनली स्टार्ट हो गई है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और सीन कुछ ये हुआ है कि भाई वो बोल रहे हैं गाड़ी जो है ना आपकी लॉन्ग रन पे नहीं चलती है, क्योंकि हमारी गाड़ी ऑब्वियसली हम लोग सिर्फ सैटरडे संडे चला रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग सारे तो चलाते ही नहीं बीच में। तो भाई वो कह रहे हैं कि गाड़ी आपकी ज़्यादा टाइम पार्क रहती है जिसकी वजह से बैटरी का इशू आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई इसको चलाएं खड़ा ना रखें। तो भाई ये एक सीन हो गया हमारे साथ। बस अब अल्लाह ताला खैरियत से हमें घर पहुँचा दे, अभी हम लोग घर पहुँच जाएँ, तो बस अब घर पहुँचते हैं, घर चल के आप लोगों से करूँगी कनेक्ट। जी गाइस सो भाई वी आर बैक होम। घर आके सबसे पहले खाना खाया, थोड़ा फ्रेश हुए, उसके बाद फिर मैंने नमाज पढ़ी। अब मैं फारिग हुई तो मैं कहा चले आप मुझसे कर लेते हैं कनेक्ट। सो भाई दिन बहुत अच्छा गुजर रहा था, ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो वो सही से हो रही थी, टाइम पे हो रही थी। एंड में आके जो है बस बाजी गाड़ी थोड़ा सा पचका कर दिया और बस अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो है ना किसी पब्लिक स्पेस पर ही थे जहाँ पर जो है गाड़ी बंद हुई है, और आगे सन्नाटे बंद हो जाते तो बड़ा ही मसला हो जाता। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा बड़ा मसला नहीं था, गाड़ी की बैटरी जो है वो बिल्कुल डेड होने वाली थी, पानी से ख़त्म हो चुका हुआ था। और मेन रीज़न जो उसने बताई ना वो ये कि हमारी गाड़ी बहुत कम चलती है, हफ्ते के हफ्ते चलती है, सही है। तो खैर उसने कहा कि भाई आप रेगुलर फ्लो में लेके आएँ, गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा पार्क रहती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है, सही है। तो बस इसका हल यही है कि गाड़ी को आप वो कह रहे हैं कि भाई आप स्टार्ट कर लो, अगर चला नहीं रहे हो तो स्टार्ट करके रखो। तो खैर ये मामला भी ज़्यादा इसको कर लेंगे सेटल डाउन। सो गाइस ये था हमारा आज का पूरा दिन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई तो प्लीज़ जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।